खबर दोपहर, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर रांची पुलिस का एक जवान नशे में नजर आया। नशे में पुलिस का जवान जिप्सी चला रहा था, जिससे एक महिला बाल बाल बच गई। वहीं बाद में जिप्सी खंबे से जा टकराई। बाद में साथी जवानों ने उसे बचाया और वहां से लेकर चले गए। लेकिन जरा सोचिए, अगर पुलिस का जवान इस तरह नशे में गाड़ी चलाता रहे तो अंजाम क्या होगा? क्यों रखे हैं? तो कहाँ दिए? पोल में ठोक दिए। अभी तो आदमी पे चढ़ा देते हैं आप? नहीं सर, गलत बात है, नशा में गाड़ी नहीं चलाना। सत्यव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सत्यव्रत, कल हमने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें सिपाही नशे में धुत सड़क पे गिरे हुए थे। आज एक और तस्वीर आ गई है जिसमें नशे में धुत हैं, आवाज नहीं निकल रही है और जिप्सी चला रहे हैं। आज इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। देखिए, आज जो मामला है वो मुख्यमंत्री आवास के ठीक नजदीक का मामला है, निगम पार्क है, वहां पर एक घटना घटी है। एक बड़ी घटना घट सकती थी लेकिन ये घटना घटने से बच गई। एक महिला जो कि उस शराबी पुलिस चालक जो है उसके जिप्सी के सामने आने से बची। फिलहाल जो चालक है वो शराब के नशे में धुत था, चल फिर नहीं पा रहा था तरीके से, लेकिन वो जिप्सी चला रहा था। समझिए कितनी बड़ी घटना घट सकती थी। एक महिला जो है वो उस जिप्सी के चपेट में आने से बची। जैसे ही जो दुर्घटना हुआ उसके बाद जो आसपास के पुलिस वाले थे वो पहुंचे हैं। फिलहाल जो शराबी पुलिसकर्मी है, जो चालक है, उसे जिप्सी में बैठाकर थाने ले जाया गया है। लेकिन पुलिस वालों के शराब के नशे में धुत इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। और आज जो पुलिस चालक पुलिस कर्मी जो वाहन चला रहा था, एक बड़ी घटना घट सकती थी लेकिन जो जिप्सी है वो बिजली के खंभे में जा टकराता है। काफी तेज आवाज होती है, आसपास के जो राहगीर थे उन्हें लगा कि शायद कोई दुर्घटना घटी है। लोग दौड़ कर आते हैं जिप्सी के पास, लेकिन जब जिप्सी के चालक को देखते हैं तो वो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। और लगातार स्थानीय जो राहगीर थे, जो सड़क चल रहे लोग थे, उनसे यह कह रहा था कि मैंने शराब नहीं पी है, मैं शराब के नशे में नहीं हूँ। लेकिन आप जो तस्वीर देख रही होगी जो उसका पैर लड़खड़ा रहा है, वो ठीक से चल नहीं पा रहा है और जिप्सी चला रहा था। बिल्कुल ना वो ठीक से चल पा रहा है और ना ही वो जवाब दे पा रहा है सही तरीके से। सत्यव्रत, जब ये गया होगा थाने जहां से इसने जिप्सी ली होगी, तो थाने में भी कई ऐसे पुलिस वाले वहां मौजूद होंगे, उन्होंने देखा होगा इसे और जानबूझकर इसे छोड़ दिया गया। इस जिप्सी से देखिए कई लोगों की जाने जा सकती थी, खुद इसकी भी जान जा सकती थी। खंभे से टकरा गया, अगर गाड़ी में आग लग जाती तो क्या ये बच पाता? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बड़ी घटना घट सकती थी जो कि बाल बाल बचा। जो पुलिस कर्मी है, जो जिप्सी चला रहा है वो HQRT का जिप्सी है, यानी कि उसे हिंदी में रक्षित वाहन बोलते हैं। और जैसे ही कोई घटना घटती है सबसे पहले QRT के द्वारा क्विक रिस्पॉन्स किया जाता है और जो जिप्सी है उसकी टीम पहुंचती है। लेकिन आप समझिए कि जिसके जिम्मे तुरंत कार्रवाई करने की जिम्मेवारी है, वो खुद शराब के नशे में धुत है। अपने किस साथियों के साथ बैठकर वो शराब पिया था, उसके बाद उसके साथियों ने कैसे उसे छोड़ दिया, ये सब तमाम चीजें जो है वो पुलिस के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या वो ड्यूटी पर था। अगर वो ड्यूटी पे नहीं था तो उसके पास जो सरकारी जो जिप्सी है वो कैसे उसके पास आया। फिलहाल इन सभी चीजों की जांच चल रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं पुलिस वालों पे यह आरोप लग रहा है कि शराब के नशे में पुलिस कर्मी जो है वो काम कर रहे हैं। और कभी
भी इस तरह की कोई बड़ी घटना घट सकती है? बिल्कुल घट सकती है सतवर्त, अगर समय रहते इस पर नहीं चेता गया और जो शराब के नशे में इस तरह से धुत जवान है उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।